मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3-3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई, सरकार बनाई, और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराए गए, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ, और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों के इस बीच में तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो, क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए, क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए। लेकिन अब बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है।